दोस्तों, वो लोग किसी के नहीं हो सकते जो दोस्त और रिश्तों को लिबास की तरह बदलते हैं। हेलो दोस्तों, मैं शहजाद सर, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बलरामपुर क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। बस आप दोस्तों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में मेरा साथ दे रहे हैं मोहम्मद मुशाहिद रजा वाहिदी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आपका सवाल है, एक्स माइनस चार यस सर बटे दो यस सर माइनस एक्स माइनस तीन बटे चार यस सर बराबर एक बटे छः यस सर। तो सबसे पहले आपको दो और चार का एलसीएम लेना है, लासा। यस सर, ऐसे लासा ले लीजिए, दो और चार का। दो अकन्नम दो दुन्ना चार, फिर दो से काटेगा, एक ऐसे रहेगा लेकिन दो कन्नम दो एक हो जाएगा। यस सर। जब इसको गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, चार आ रहा चार। तो दो चार का एलसीएम कितना आया है, चार चार आया है। ओके यस सर। दो दुन्ना चार, गुणज कितना आया, दो दो। जब दो को इस अंश से गुणा करेंगे यस सर, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, दो इंटू एक्स माइनस चार। ठीक है, माइनस चार अकन्नम चार, गुणज कितना आया, एक। एक को जब इससे गुणा करेंगे तो ऐसे ही रहेगा ये। यस सर। एक्स माइनस तीन यस सर बराबर एक बटे छः यस सर। अब यहाँ बंटन से मल्टीप्लाई करेंगे यस सर। जब दो को एक्स से गुणा करेंगे तो दो एक्स यस सर, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। यस देख लीजिए भी आप, प्लस प्लस को जब गुणा करते हैं तो प्लस होता है, प्लस माइनस को जब गुणा करते हैं तो माइनस होता है, माइनस प्लस का गुणा माइनस होता है और माइनस माइनस का गुणा प्लस होता है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, जब दो को चार से गुणा करेंगे तो आठ होगा। यस सर। कोष्ठक के बाहर अगर साइन माइनस में है, माइनस साइन लगा है यस सर, तो कोष्ठक खोलते समय साइन बदल जाएगा आपका, माइनस एक्स प्लस तीन यस सर। ठीक है, बटे चार बराबर एक बटे छः यस सर। ये दो एक्स प्लस में है यस सर, ये एक्स माइनस में है यस सर, एक एक्स माइनस में है, दो एक्स प्लस में है यस सर। जब दो एक्स में से एक एक्स को निकालेंगे तो बचेगा एक्स यस सर। तीन प्लस में है, आठ माइनस में है यस सर। जब तीन में से आठ को निकालेंगे तो माइनस पांच बचेगा यस सर, बटे चार बराबर एक बटे छः। हम चाहें तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाईकेशन कर सकते हैं यस सर, कैची गुणा कर सकते हैं जी, कैची गुणा चाहें तो दो दुना चार दो तिया छः काट सकते हैं यस सर। ठीक है, बचेगा आपका एक्स माइनस पांच यस सर बटे दो बराबर एक बटे तीन। अब यहाँ कर देते हैं कैची गुणा यस सर। ठीक है, जब यहाँ कैची गुणा करेंगे आप, तीन जाएगा एक्स माइनस पांच के साथ में इस तरीके से, तीन एक्स एक्स माइनस पांच यस सर बराबर दो। अब यहाँ बंटन से मल्टीप्लाई करेंगे, जब तीन को एक्स से गुणा करेंगे तो होगा तीन एक्स, प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है। ठीक है, तीन पचे पंद्रह होता है बराबर दो। जब हम एक्स का मान तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक तीन एक्स को फाइनल ना करें यस सर। अब हम तीन एक्स को जब रोकेंगे बराबर की उस तरफ यस सर, बराबर की उस तरफ दो है, पंद्रह भी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यस सर। ठीक है यस सर, बाकी मिसाल लगा देते हैं। ये आपका आएगा तीन एक्स बराबर, ठीक है यस सर, पंद्रह और दो या दो और पंद्रह को जब जोड़ेंगे तो सत्रह आ रहा है यस सर। अब हम जैसे इसका मान निकालेंगे यस सर, बराबर के जो इस तरफ है यस सर वो अंश बन जाएगा यस सर, और जो उसका गुणज है वो हर बन जाएगा यस सर। यही आपका आंसर है, यही आपका जवाब है यस सर, यही आपका उत्तर है। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया।